वायरस के फैलने संक्रमण को रोकने के लिए जोधपुर पुलिस कमिश्नर के साथ थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन इन कर्फ्यू क्षेत्र कुछ इलाकों में अभी भी लोग इनकी पालना नहीं कर रहे हैं। वे लोग अभी भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। इसको लेकर के पुलिस उपायुक्त पूर्व धर्मेंद्र कुमार यादव ने शुक्रवार को कर्फ्यू घर क्षेत्र का जायजा लिया और लोगों को घरों में रहने की अपील की। इस दौरान लोगों ने उन्हें अपनी समस्या भी बताई। ज्यादातर शिकायतें खाने पीने के सामान एवं सब्जियों की थी, पर डीसीपी ने उन शिकायतों को दूर करने का आश्वासन दिया। शहर के भीतरी क्षेत्र विशेषकर नागौरी गेट क्षेत्र में मिल रहे लगातार संक्रमण मरीजों के कारण पुलिस सख्त हो गई है। शुक्रवार को नागौरी गेट क्षेत्र में और संक्रमित मिलने के बाद पुलिस ने यहाँ सख्ती दिखाई। सुबह डीसीपी धर्मेंद्र कुमार यादव यहाँ गश्त पर निकले और उन्होंने यहाँ पर पुलिस व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने वहाँ तैनात पुलिस कर्मियों को सख्ती बरतने और लोगों को घरों से बाहर नहीं निकल देने की हिदायत दी। डीसीपी के वहाँ पहुँचने पर लोगों ने अपने घरों से बाहर आकर उन्हें अपनी समस्या बताई। लोगों ने बताया कि उन्हें यहाँ सब्जी दूध नहीं पहुँच रहा है, साथ ही अब खाने के सामान भी खत्म हो रहा है, पर डीसीपी ने उनकी समस्याएं दूर करने का आश्वासन दिया। बता दें कि शहर के चार थाना क्षेत्र 2 दर्जन कोरोना संक्रमित मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अब पूरी तरह सख्ती बरतने का मानस बना लिया है। जयपुर के रामगंज भीलवाड़ा के समान इन चारों क्षेत्रों को पूरी तरह बदल दी गई है। शहर के अंदर किसी भी बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई। जगह जगह बैरिकेड लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए, क्षेत्र को सील कर दिया गया। इसके साथ ही क्षेत्र में कोरोना के मरीज की तलाश के लिए सघन अभियान भी चलाया जा रहा है। साथ ही इन थाना क्षेत्रों में पुलिस बल की संख्या भी बढ़ा दी गई है। हाँ, ये कर्फ्यू जो अभी हमने चार थानों में लगा रखा है, इसमें कुछ इश्यूज सप्लाई से रिलेटेड आते रहते हैं। हम लोग जो कंट्रोल रूम बना हुआ है प्रशासन का, उनको पुलिस भी कॉल करके जहाँ भी इश्यूज आ रहा है वहाँ पे बुला के इसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास कर रहा है। बट हाँ, डिले अगर होता है तो लोगों में अभी पेशेंस नहीं है कि थोड़ा भी समय वेट करें, क्योंकि अभी थोड़ा डिले होगा, इमरजेंसी का समय है, तो इसमें थोड़ा पेशेंस रखने की बात है और थोड़ा और क्विक रिस्पॉन्स का ज़रूरत है इसमें हर एक डिपार्टमेंट से।